अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस आज से हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 मैंने आपको शुरू करवाया हुआ था, इसी को मैं कंटिन्यू करूँगी। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देके कि हमने पीछे इसमें क्या पढ़ा और आगे हम इसमें क्या पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है इंटरनेट से रिलेटेड, ये इसमें हमने इंटरनेट से रिलेटेड पहले इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। यहाँ पर ओवरव्यू है जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट है, जो कि आपकी बुक में अलग से क्वेश्चन है, वही इस ओवरव्यू में आ जाता है कि इंटरनेट कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले आरपा जो रिसर्च एजेंसी थी उससे स्टार्ट किया, फिर वो नेटवर्क बढ़ता बढ़ता यूनिवर्सिटीज़ में गया, रिसर्च सेंटर्स में गया, और अब वो पूरी दुनिया उसको यूज़ कर रही है। ये सारी डिटेल ओवरव्यू में है, जो आप इससे पहले भी एक चैप्टर में पढ़ चुकी हैं और इस चैप्टर में भी हमने दोबारा से पढ़ी थी। उसके बाद इंटरनेट काम कैसे करता है, बेसिकली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं और वो एक दूसरे के साथ डेटा सेंड और रिसीव करते हैं। उनको एड्रेसेस असाइन होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स यूज़ होते हैं, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें अलग अलग आप पीछे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं नेटवर्किंग वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर बस इनका नाम लेके कि ये चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इंटरनेट को डिवेलप करने के लिए। इसके बाद एड्रेसिंग स्कीम है, और एड्रेसिंग स्कीम भी हमने पहले पढ़ी थी, और हमने उसमें क्या पढ़ा था कि हमारे पास बेसिकली जब हमारा कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तो हमारे कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस असाइन होता है। वो यूनिक एड्रेस बेसिकली हमारे कंप्यूटर की आइडेंटिटी होती है कि अगर हम कोई डेटा सेंड कर रहे हैं तो रिसीवर को पता चलेगा कि ये किस कंप्यूटर से आया है, और अगर हमने कोई डेटा रिसीव करना है तो सेंडर को पता होगा कि हमारे कंप्यूटर का क्या एड्रेस है, किस कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है। क्योंकि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है इंटरनेट पे, तो एक यूनिक एड्रेस होना हर डिवाइस का। अब यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर नहीं, सारी डिवाइसेज आएंगी, चाहे हमने मोबाइल डिवाइस कनेक्ट की हुई है, चाहे हमने कोई लैपटॉप कनेक्ट किया है, चाहे हमने कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर कनेक्ट किया है, हर एक का एक यूनिक एड्रेस, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है जो कि बताती है कि हमारे कंप्यूटर ने कैसे कनेक्ट करना है, किस कंप्यूटर, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है। वो कंप्यूटर भी हो सकता है, वो कोई मोबाइल डिवाइस भी हो सकती है, वो कोई लैपटॉप डिवाइस भी हो सकती है, वो कोई टैबलेट डिवाइस भी हो सकती है। सो इंटरनेट पे मौजूद हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस मौजूद होता है। तो दो तरह की एड्रेसिंग स्कीम्स हैं, IP एड्रेसिंग और DNS एड्रेसिंग। IP एड्रेसिंग में मैंने आपको बताया था कि ये नंबर से बनती है, 32-bit नंबर इसमें होते हैं, इसके 4 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट में 8-8 बिट्स आती हैं। वैसे तो ये नंबर होते हैं और जब हम इनको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 8 बिट इसकी 8, 8 एंड 8, और 32 टोटल बिट्स होती हैं, और इन नंबर्स को हमने डॉट्स के साथ कनेक्ट किया होता है। और ये जो नंबर्स हैं ये 216, 27, 61 हर पार्ट में 0 से 255 के दरमियान में टोटल 256 नंबर आ सकते हैं। तो इन डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ हम एड्रेसेस क्रिएट करते हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं या कितने कनेक्शंस बन सकते हैं, 2 raised to power 8 हमारे पास इस एक पार्ट ऑक्टेट वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, और ये शायद हमने पहले भी पढ़ा था कि इसका जो एक पार्ट होता है उसको हम ऑक्टेट बोलते हैं, क्योंकि इसमें 8 बिट्स आ रही होती हैं। यूनिक आईपी एड्रेसेस जो हैं वो हर डिवाइस को जब भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है तो असाइन किया जाता है। इसमें एक हमने प्रॉब्लम पढ़ी थी कि जब हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं तो कंप्यूटर के लिए तो बहुत आसान है, और ये असाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल जो TCP/IP है वो ये एड्रेसेस असाइन करता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के लिए इसको याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस केस में क्या किया जाता है, हमें एक DNS एड्रेसिंग स्कीम प्रोवाइड की जाती है। और DNS एड्रेसिंग स्कीम क्या है कि उन डोमेन्स को स्पेशल नेम दे दिए जाते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टैटिक IP एड्रेसेस भी होते हैं और हमारे पास नॉन स्टैटिक भी होते हैं। स्टैटिक IP एड्रेसेस वो होते हैं जो सेम रहते हैं, ठीक है, डज नॉट चेंज वेरी ऑफन। अब जैसे गूगल का जो IP एड्रेस है वो सेम रहेगा, क्योंकि वो एक नॉन साइट है, वेबसाइट है जिस पे हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। इसी तरह जो हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वेब ब्राउजर्स हैं, या हमारे पास कोई स्पेशल वेबसाइट्स हैं,
तो उनको एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है, स्पेसिफाइड आईपी एड्रेस, जो कि चेंज नहीं होता। वो जब भी वो सर्वर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा, उनको सेम आईपी एड्रेस एलोकेट होगा, इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक। लेकिन जब हम अपने डिवाइसेस को लाइक एज ए यूजर, एज ए कस्टमर, हम अपने डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, मैंने एक मोबाइल को इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया, मुझे एक आईपी एड्रेस असाइन होगा, फिर मैंने डिसकनेक्ट कर दिया, वाईफाई क्लोज कर दिया, और आफ्टर अ डे, आफ्टर अ मिनट, और कुछ टाइम के बाद जब दोबारा मैं कनेक्ट करूंगी तो मुझे एक नया आईपी एड्रेस असाइन हो सकता है। हो सकता है दोबारा वही आईपी एड्रेस असाइन हो, और सम टाइम हमें डिफरेंट आईपी, जो एड्रेस अवेलेबल होता है, जो यूनिक आइडेंटिटी उसके पास मौजूद होती है, वो हमें दे देता है। ठीक है, तो जो कस्टमर्स होते हैं, जो यूजर्स होते हैं, जनरल यूजर्स, उनको वो डिफरेंट आईपी एड्रेसेस हर दफा असाइन करता रहता है जब भी वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। लेकिन कुछ वेबसाइट्स को, कुछ ब्राउजर्स को, और कुछ स्पेशल मशीन्स को स्टैटिक आईपी एड्रेस, स्पेसिफाइड एड्रेस असाइन होते हैं, जो कि हमेशा सेम रहते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते, क्योंकि वो बार बार वही यूज़ करने होते हैं। वो उनको एक तरह से उनको एलोकेट हो जाता है वो एड्रेस, उसके बाद कोई दूसरा सर्वर या कोई दूसरी डिवाइस उसको यूज़ नहीं कर सकती। ओके, क्योंकि ये नंबर्स याद रखना मुश्किल है, इसके कॉम्बिनेशंस याद रखना मुश्किल है, तो हमारे पास क्या है, आईपी एड्रेस की जगह डोमेन नेम्स की फैसिलिटी मौजूद है, जिसे हम डीएनएस एड्रेसिंग बोलते हैं। और डीएनएस एड्रेसिंग में हमने ये पढ़ा कि ये ह्यूमन रीडेबल नेम्स होते हैं, जैसे google.com, facebook.com, hotmail.com, हमारे पास बहुत सारे हैं, एजुकेशनल हैं, बहुत सारे एड्रेसेस हैं। ये देखें, इनके डोमेन्स बताती हैं, जहाँ पे डॉट कॉम लगा होगा वो बिजनेस से रिलेटेड होंगे, कमर्शियल होंगे, जिनके साथ EDU लिखा होगा वो एजुकेशन से रिलेटेड होंगे, जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और की वेबसाइट्स हैं उनके साथ .edu लिखा होता है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके साथ GOV लिखा होता है, ठीक है, मिलिट्री के साथ MIL, और जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन NGOs वगैरह होती हैं उनके साथ .org लिखा होता है। तो ये बेसिकली एक इंग्लिश लेटर में डोमेन नेम्स असाइन कर दिए जाते हैं, जो आईपी एड्रेस के इक्वली होते हैं। जैसे गूगल को एक नंबर एड्रेस भी असाइन हो सकता है, और ए डीएनएस भी। इसको हम टॉप लेवल डोमेन इनको बोला जाता है, जो ये बताती हैं कि टाइप ऑफ वेबसाइट या टाइप ऑफ ब्राउजर क्या है। तो हमारे पास बेसिकली ह्यूमन रीडेबल या इंग्लिश लेटर्स में जब हम कोई नाम असाइन करते हैं किसी वेबसाइट, वेब ब्राउजर या किसी मशीन को, सर्वर को, तो उसे हम DNS, डोमेन नेम सर्विस, या डोमेन नेम सेटिंग हम उसको बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, अभी हमने कहा कि डिफरेंट वेबसाइट्स हम क्रिएट करते हैं, तो वेब ब्राउजिंग आ जाता है, और वेब सर्फिंग हमने पढ़ा था शायद। तो वेब ब्राउजिंग बेसिकली क्या है कि हम जब कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, सर्चिंग इंफॉर्मेशन को हम ब्राउजिंग बोलते हैं, और इसको हम सर्फिंग भी बोलते हैं। जब हम इंटरनेट पे कोई इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे होते हैं, तो वी आर वेब ब्राउजिंग, वी आर ब्राउजिंग, वी आर सर्चिंग ऑन वेब। और वेब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, या WWW जिसे हम बोलते हैं, और जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, गूगल है, क्रोम है, मोज़िला है, डिफरेंट हैं, जिनको यूज़ करते हुए, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, यूज़ करते हुए जब हम सर्च करते हैं, उन सर्च इंजन्स को, बेसिकली उन पेजेस को हम क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर्स बोलते हैं। ये होते सॉफ्टवेयर्स ही हैं, क्या ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिसपे जाके हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। 100 एंड 1000 ऑफ वेब पेजेस जो हैं वो हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब पे मौजूद होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW क्या है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक आपने पढ़ना है। इसके बाद इसमें हमारे पास एक और जो दूसरी इंफॉर्मेशन है, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर, रिसोर्स लोकेटर्स, बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब पे जो यूनिक एड्रेस असाइन होता है हर पेज को। अब हमने कहा कि बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद होती हैं इंटरनेट पे, उन वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस होते हैं, ठीक है, उन पेजेस पे कुछ लिंक्स लगे होते हैं जिसके थ्रू हम आगे पीछे मूव करते हैं, और ये सारी चीज़ें वर्ल्ड वाइड वेब पे, वेब सर्वर्स पे, लाइक गूगल के जितने पेजेस हैं वो गूगल के सर्वर पे होंगे, याहू के जितने पेजेस हैं वो याहू के सर्वर पे होंगे, तो सारे एक जगह पे मौजूद होते हैं। लेकिन
हर वेबसाइट को, उसके हर पेज को, हर सर्वर को एक यूनिक एड्रेस जो है वो ब्राउजर्स पे या वर्ल्ड वाइड वेब पे असाइन किया जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं कि उसके एड्रेस को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसका पाथ कि वो कौन सी वेबसाइट के कौन से वेब पेज पे मौजूद है, या हम ये भी कह सकते हैं कौन से सर्वर की कौन सी वेबसाइट है और उसका कौन सा वेब पेज है जहाँ पे वो मौजूद है, तो हम उस एड्रेस को, उस यूनिक पाथ को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। लाइक आपने अगर गूगल लिखे, मैं अगर आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाऊं, तो हमारे पास, मैंने यहाँ पे कनेक्ट हुआ, देखिए ये एक बेसिकली ये जो इंटरफेस आपके पास गूगल का ओपन हुआ है इसको हम वेब ब्राउजर बोलते हैं, ठीक है। और जब मैं यहाँ पे कुछ सर्च करूँगी लाइक हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, ये जो सर्चिंग प्रोसेस है ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, इस सर्चिंग प्रोसेस को हम वेब ब्राउजिंग बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, सेंड किया, वो इंफॉर्मेशन जो है हमारे सर्वर के पास गई, और ये देखिए 4, 6, 10 मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं। मेन हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट इतनी जगहों पे मौजूद है, और इसने कितना टाइम लिया, 0.72 सेकेंड्स, मीन 1 सेकेंड भी पूरा नहीं लिया उसने इसको सर्च करने के लिए। तो अब ये जो मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं ये हर एक डिफरेंट वेब पेजेस हैं जो नेट पे मौजूद हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पे डिफरेंट सर्वर्स पे मौजूद हैं। अगर मैं इनको, अगर ये आपको नज़र आ रहे हों और मैं आपको इसको और क्लियर करके दिखाऊं, तो ये देखें यहाँ पे ये जो आपको एड्रेस नज़र आ रहा है ये एक उसका लिंक है कि यहाँ पे इंटरनेट की हिस्ट्री मौजूद है, www.internetsociety। ये इंटरनेट सोसाइटी बेसिकली डोमेन नेम है और ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो ये वेबसाइट है, ठीक है, और ये किसी सर्वर पे मौजूद है। जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे एक पेज ओपन हुआ है मेरे पास जिस पे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट मेरे पास आ रही है, ठीक है। और इस हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट पे यहाँ पे इस हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट पे आपको ऊपर यहाँ पे ये एड्रेस नज़र आ रहा है, ठीक है, जो एग्जैक्ट इस पेज पे लेके आ रहा है ये। यहाँ तक तो इंटरनेट सोसाइटी डॉट ओ आर जी, यहाँ तक तो एक वेबसाइट का एड्रेस है, फिर उसके अगले कौन से पेज पे जाके डॉट इंटरनेट हिस्ट्री इंटरनेट और ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ये हमें इस एक स्पेशल पेज पे लेके आया है। ये जो एक एड्रेस ऑफ पेज है इसको हम बेसिकली यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? बेसिकली सर्चिंग टेक्निक के लिए जो वेबसाइट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सर्च इंजन हैं जिन पे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। google.com, ask.com, altavista.com, ये सारे वेब ब्राउजर्स, ये सारी वेबसाइट्स बेसिकली सर्च इंजन्स हैं जिनमें इंफॉर्मेशन स्टोर है डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, पूरी दुनिया के वर्ल्ड से रिलेटेड। और हम जब सर्च करते हैं तो हमें बिलियंस ऑफ वेब पेजेस शो हो जाते हैं जिनमें हम जाके इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो है ईमेल। ईमेल क्या है? ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल और मैसेज विच डिलीवर्स और सेंड्स ओवर इंटरनेट। जब इंटरनेट को यूज करते हुए आप कोई मैसेज सेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करते हुए, उसको आप क्या बोलते हैं? ईमेल। और ईमेल जो है वो उसके लिए कोई सेंडर चाहिए होता है हमें,
कोई रिसीवर रिसेप्शन चाहिए होता है जो कि उसे रिसीव करे। और ये दुनिया में आप एक जगह से किसी भी जगह पे ईमेल भेज सकते हैं, किसी भी पर्सन को ईमेल भेजी जा सकती है, आपके पास उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल बेसिकली जैसे लेटर्स पहले पोस्ट किए जाते थे, पेपर पे लिखे, फिर एनवेलप में डाले, उसके ऊपर एड्रेस लिखा अपना, सेंडर का, रिसीवर का, फिर उसको पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट किया, फिर वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू डिलीवर होंगे, जिसका एड्रेस हमने लिखा था रिसीवर के पास जाएंगे, रिसीवर उन्हें रिसीव करेगा। तो ये बहुत लेंथी, टाइम टेकिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ करने वाला प्रोसेस है। लेकिन इंटरनेट पे जब आपने मेल सेंड करनी है तो वो विद इन ए सेकेंड्स, फ्यू सेकेंड्स में ही एक जगह से दूसरी जगह मेल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। डिस्टेंस चाहे एक कमरे का हो, दो घरों का हो, दो शहरों का हो, दो मुल्कों का हो, या दुनिया में कहीं का भी हो, आपकी ईमेल जो है वो सेंड हो जाती है। ईमेल इज़ द फर्स्ट रियली पॉपुलर इंटरनेट एप्लीकेशन, के सबसे पहले जो पॉपुलर एप्लीकेशन बनाई गई थी वो ईमेल ही थी। और क्योंकि इंटरनेट का पहले यूज़ ही इसलिए हुआ था फॉर मैसेज ट्रांसफरिंग, इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग, तो एक जगह से कि दूसरी जगह कोई मैसेज, कोई बॉर्ड भेजना हो तो ईमेल के थ्रू वो भेजे जा सकते हैं। इट लीव्स रिटर्न रिकॉर्ड, क्योंकि हमने एक जैसे लेटर टाइप करते हैं इसी तरह स्क्रीन पे हम मैसेज टाइप करते हैं, उसके बाद सेंडर का एड्रेस देते हैं, रिसीवर सेंडर का एड्रेस तो खैर नहीं देते, वो खुद ही मेल के साथ चला जाता है, रिसीवर का एड्रेस एंटर करते हैं कि किस किस ने रिसीव करनी है मेल, और उसके बाद वो मैसेज हम उसको सेंड कर सकते हैं। तो इसको ईमेल क्लाइंट भी बोलते हैं। वंस यू सेंड द मैसेज योर कंप्यूटर कनेक्ट्स टू ईमेल सर्वर। अब ईमेल सर्वर भी हमारे पास डिफरेंट मेल सर्वर्स मौजूद हैं, जिसमें जीमेल है, याहू है, हॉटमेल है, और भी बहुत से हैं जिनके थ्रू हम ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो आपको उस सर्वर पे, उस होस्ट कंप्यूटर पे एक अकाउंट बनाना होता है, और उस अकाउंट को बनाने के बाद आप कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखें जीमेल है, इस पे अकाउंट बना हुआ है। अब अगर मैंने कोई मेल सेंड करनी है तो विद इन ए सेकेंड वो सेंड भी हो जाएगी और दूसरे बंदे को रिसीव भी हो जाएगी। अगर वो बंदा ऑनलाइन है तो वो उसी वक्त वो मैसेज शो कर सकते हैं। देखें एक इस तरह का इंटरफेस बना हुआ है। मैं अगर कंपोज पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक इंटरफेस शो होगा। जिसमें ये देखें न्यू मैसेज का आ गया। टू में हम बताते हैं कि हमने किसको मैसेज सेंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मेरी अपनी दूसरी आईडी है, उस पर अगर मैंने सेंड करना है तो ये देखें यहाँ पे ऑप्शंस भी आ रही हैं, और ये उसका नाम उसने ऐड कर दिया, प्रॉपर एड्रेस galaxycon@hotmail.com, किसी दूसरी वेबसाइट पे मैं सेंड कर रही हूँ। ये तो हो गया एक स्पेशल पर्सन को सेंड करने का। अगर आप एक से ज़्यादा को करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे CC या BCC, अब एक से ज़्यादा एड्रेसेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर और एड्रेसेस ऐड करना चाहूँ तो ये देखिए मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जिसमें मैं एक वक्त में एक मेल इन तीन बंदों को सेंड कर सकती हूँ। आप यहाँ पे भी सेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, इस मेल का पर्पस क्या है। ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए जैसे है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि ताकि पढ़ने वाले को मैसेज खोले बगैर ही पता चल जाए कि इसके अंदर क्या कंटेंट हो सकता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, जिस तरह आप एप्लीकेशन लिखते हैं ना तो ऊपर सब्जेक्ट लिखते हैं या लेटर में लिखते हैं, तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट लिखा जाता है। और नीचे ये राइटिंग एरिया है जहाँ पे आपने अपना पूरा जो मैसेज है वो टाइप करना है। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो दूसरी ऑप्शन होती है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसके साथ अटैच फाइल अगर करें तो हम बहुत सारी फाइल्स यहाँ पे पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियोस अटैच करके यहाँ से सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी मेल जो है वो सेंड हो जाती है। तो ये हमारे पास एक सिंपल ईमेल की, ईमेल सेंड करने का मेथड था। और ईमेल में हम अटैचमेंट भी सेंड कर सकते हैं, जो भी आपको मैंने बताया, और अटैचमेंट में आप डॉक्यूमेंट भी सेंड कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग का कोई डॉक्यूमेंट, कोई एक्सेल की फाइल, कोई प्रोग्राम, कोई इमेज, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कुछ भी आप सेंड कर सकते हैं। और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो मल्टीमीडिया अटैचमेंट का
ये वाला प्रोटोकॉल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन माइम जो है, ये इसको यूज करता है डिफरेंट साइट्स को सेंड करने के लिए। अब देखें, लेकिन हमारे पास साइज थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। जैसे याहू एक वेबसाइट है तो वहाँ पे हम सिर्फ 10 MB की फाइल्स अटैच कर सकते हैं, गूगल पे 25 MB तक हम कर सकते हैं। तो ये ईमेल सेंड करने के ईमेल करने का मेथड और उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस या प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ ईमेल हैं। हमारे पास चलिए जी, लिमिटेशन ऑफ ईमेल्स का टॉपिक जो है ये आप लोगों ने पढ़ना है, ये आप लोगों का होमवर्क है, आपकी बुक में भी मौजूद होगा। कल मैं आपसे इसमें से क्वेश्चन करूंगी लेक्चर से पहले कि ईमेल की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ये आपको क्या समझ आई हैं आपने मुझे बताना होगा बिफोर लेक्चर। तो लिमिटेशंस ऑफ ईमेल इज़ योर होमवर्क, और उसके बाद कल इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसमें ये दो टॉपिक्स ही रह गए हैं। इसके बाद आपके कोर्स जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें जो क्वेश्चंस बताए गए हैं वो इसके अकॉर्डिंग बताए गए हैं। तो आप जब पेपर की तैयारी करें तो ये बुक्स मैंने आपको सेंड की हुई हैं, लाइक ये स्मार्ट सिलेबस है। तो देखें इसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 6 ये शामिल है, 1, 2, 3 और 6। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें क्योंकि पेपर में ये देखें 6 वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एड्रेसिंग स्कीम्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग्स इज यूज्ड ऑन इंटरनेट डिस्कस ब्रीफली। तो ये आपने आईपी एड्रेसिंग और डीएनएस एड्रेसिंग पढ़ा है, ये उस क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, 1, 2, 3 और 6, तो इन क्वेश्चंस को तो अच्छे से प्रिपेयर करें। बाकी जो ये बाकी टॉपिक पढ़े हैं इनको भी प्रिपेयर करें, और लॉन्ग में इन क्वेश्चंस, स्पेशली इन क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, ये एज सच इंक्लूडेड ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपकी ब्रीफ हिस्ट्रीज में से है, तो इसको आप ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करें। इसके अलावा एक जो ये क्वेश्चन है, राइट एंड नोट ऑन द फॉलोइंग, इसमें न्यूज़ ग्रुप का क्योंकि टॉपिक मौजूद है तो इससे पढ़ें। TCP/IP इस चैप्टर में नहीं है, इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद 3 में देखें, ट्रू और फॉल्स हैं, ट्रू और फॉल्स आपके पेपर में आते नहीं हैं, आपके पेपर में MCQs होते हैं। तो इनमें से जो MCQ ट्रू और फॉल्स कहे हुए हैं उनको आप याद रख लें, ताकि अगर वो MCQs में आए तो आपको पता हो कि हमने इनको किस इसमें से ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है। ये देखें, ये MCQs 1, 2, 3 और 6 हैं, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जबकि आपके पेपर में सिर्फ MCQs आते हैं, ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स नहीं आते। लेकिन ये ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स एज ए MCQs क्वेश्चन बना के वो दे सकते हैं। तो जो पॉइंट आउट किए गए हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 में 3, 8 एंड 9, ये 3 ब्लैंक्स। 3 में देखें क्या, न्यू सर्वर यूज डैश डैश प्रोटोकॉल टू ट्रांसफर आर्टिकल्स अमंग देन, इसको आपने सर्च करना है, ये आप लोगों को ये भी एक होमवर्क है। ये तीनों ब्लैंक्स आपने मुझे बतानी है। द 4 नंबर्स इन आईपी एड्रेस आर कॉल्ड, इनको हम क्या कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। और फिर उसके बाद ये 9 डैश एड्रेस इज इजी टू रिमेंबर, ये 3 ब्लैंक्स, और इनको वो आपके पास इजीली बना सकते हैं। नीचे इसके नीचे ऑप्शंस दे सकते हैं 4, और उसमें से कोई एक ब्लैंक फिल करें। तो आपने इनको एज ए MCQs प्रिपेयर करना है, ये सोच के छोड़ना नहीं है कि पेपर में क्योंकि ब्लैंक्स नहीं आ रही तो हम इसको ऐड नहीं करते। तो जो उन्होंने पॉइंट आउट किए हुए हैं, ये तीनों फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी ट्रू फॉल्स, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। तो ये 3 ब्लैंक्स और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है, और इसी तरह ट्रू फॉल्स भी, जो लाइक यहाँ पे कौन कौन से ट्रू फॉल्स आपके इंक्लूडेड हैं, 1, 3, 6, 7, 9, 10, ये 1, 3, 6, 7, 9 और 10, तो ये आपने मुझे इनके आंसर्स बताने हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यू कैन नॉट अटैच ए फाइल लार्जर देन 20 MB टू एन ईमेल, तो इसमें आपने बताना है किस के MCQs, वो ये भी पूछ सकते हैं कि
मेल में जो हम फाइल सेंड करते हैं उसका साइज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 10, 20, 15, 16, तो उसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इन ट्रू फॉल्स को आप देख लें पीछे से बुक में, इस चैप्टर में सर्च करें, अपनी बुक में सर्च करें और इनके आंसर्स आपने मुझे बताने हैं। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन, वो आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आपके स्मार्ट सिलेबस में क्लियरली लिखे हुए हैं कि ये आपके पेपर में या सिलेबस में शामिल हैं, तो पेपर में भी आ सकते हैं। तो 2-3 या जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हों उन्हें स्पेशली प्रिपेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।